अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद कियोगे। गाइस, आज मैं मटन की इजी और क्विक रेसिपी लेके आई हूँ जो काफ़ी बन के डिलीशियस रेडी होती है और इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। इसके लिए मैं चार प्याज ले रही हूँ। पहले ओनियन को चॉप कर लेना है, देन उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है, जो हमेशा मैं रेडी रखती हूँ फ्रिज में, वो ले लेना है। उसके बाद इसमें हमें लेना है 1 kg मटन, जो काफ़ी चर्बी वाला फ्रेश मटन था और ये बहुत टेस्टी गाइस, एक बार आप इसे ट्राई करना, बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। उसके बाद जो भी खड़े गरम मसाले होते हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, फ्लावर वाला, सारे को इसमें इंक्लूड कर देना है। और इसके बाद जो भी मसाले होते हैं, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च से आपको कलर बहुत प्यारा आता है, धनिया, गरम मसाला और नमक, इन सारे को मैं एक साथ ही डालूंगी। और इसकी जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, इससे मटन काफ़ी इजी, ऐसा नहीं है कि एक के काम है जिसे करना है, ये काफ़ी इजी वे में बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा कम क्वांटिटी में डालूंगी बिकॉज के इसमें गोश्त में चर्बी बहुत थी, बहुत अच्छा चर्बी था और फ्रेश है, तो इसमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप तेल 3 से 4 बड़े स्पून डाल देना, उतना सफिशियंट होगा। और इसको सब डालने के बाद इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप अच्छे क्वांटिटी में डालना, चिकन या मटन या फिश, मटन में या इन सब चीज़ों में जो पेस्ट होता है लहसुन अदरक का, वो अच्छे क्वांटिटी में डालना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कुछ भी बिसाइंदा नहीं लगता है। और ये सब डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करूंगी। और गाइस, बहुत आदमी का हाथ लहरता है तो वो नहीं होता है, तो स्पून का यूज़ कर लें या किसी और चीज़ का यूज़ कर लें, ग्लव्स पहन के कर लें। और ये मैं प्याज थोड़ा सा डाल रही हूँ, प्याज मैंने खड़ा भी डाला है और पिसा हुआ भी डाला है, क्योंकि प्याज मेरे पास पिसा हुआ था। आप चाहो तो सिर्फ खड़ा प्याज ही डाल लेना, वो भी सही रहता है। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जैसे हम लोग वो मिट्टी का घड़ा आता है ना, उसमें चिकन बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस टाइप ये भी है। और इससे बहुत इजी वे में तैयार होता है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है और इसमें आपको कोई झंझट भी नहीं रहती है। ऐसे कर लेना है। और हमें इसमें जो पानी का यूज़ करना है ना, वो बहुत कम क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि प्याज पानी ऑटोमेटिक छोड़ता ही छोड़ता है, तो वो भी रिलीज़ कर देगा। फिर आप ज़्यादा डाल दोगे तो फिर गोश्त ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा खदकते हैं। तो हो गया, अब मैं इसे ढक के चूल्हे पे आँच पे रख दूँगी। और गाइस, ये बनाना बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी बन के रेडी होता है। अब इसमें जब तक पानी रिलीज़ नहीं करता है, तब तक हमें इसे ढक के रखना है। थोड़ी देर के बाद ये देखना ऑटोमेटिक इतना सारा पानी दे देगा। और इसको आपको इसके बाद भुनने का प्रोसेस करना है। अब भुनने के टाइम में हमें ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना है, एक एवरेज फ्लेम पे रखना है, मीडियम पे। और भुनने के टाइम में हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रॉपरली साइड से इसको चलाना है। अभी तो खैर थोड़ा पानी है, तो इसको तेज़ आँच पे ही रखेंगे। देन जब कम होने लगेगा, नीचे पकड़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो उस टाइम में हमें क्या करना है, इसको कम कर देना है। और ये देसी स्टाइल में है गाइस, बहुत टेस्टी बनता है। आपको इसमें बिरयानी, प्याज का अलग से करने, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे भूनना भी नहीं है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप भूनते जाओगे, इसका उसी की वजह से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और देखो गाइस, बहुत हद तक पानी कम हो गया है। बहुत लोगों को इतना पे ही पसंद आता है कि भुना हुआ सिर्फ रहे, तो मुढ़ी से खा लें या रोटी से या नान से, आप किसी चीज़ से इसको सर्व कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। देखो गाइस, पूरी तरह से सूखने लगा है और साइड में पकड़ भी रहा है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको बराबर चलाते रहना, साइड से जो भी लगा हुआ है ना, उस मसाले को भी आप लेते रहना। इसका स्मेल जो है ना, बहुत अच्छा आ रहा है। और थोड़ा थोड़ा डालूंगी मैं यहाँ पे पानी इस पॉइंट पे, और यहाँ थोड़ा पानी डालने के बाद मैं जो भी मसाला है ना, उसे हटाने में इजी रहता है।
बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है गाइस। अगर मटन मसाला है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हो। ऐसे में गरम मसाला जो घर का रेडी किया हुआ होता है वो मैंने यूज़ किया था स्टार्टिंग में। और इसका जो कलर होता है ना वो भी धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। आप अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना है तो सिर्फ लाल मिर्च ही यूज़ करना। और यहाँ पूरी तरह से भुना गया था तो मैंने इसमें पानी डाला है। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपको जितना यूज़ है, अगर पुलाव यूज़ करना है या मूढ़ी यूज़ करना है तो उसमें तो ज़्यादा लगता है ग्रेवी। अदरवाइज़ आपको अगर ग्रेवी का यूज़ ना है तो आप उसी पॉइंट पे हल्का सा पानी डाल के आप उसे बंद कर देना। तो मैंने इस पॉइंट पे इतना रखा है क्योंकि मेरे घर में है ना पुलाव से भी पसंद करते हैं, मूढ़ी से भी पसंद करते हैं लोग, तो इसलिए। इसका कलर देखो गाइस कितना बेहतरीन रोगन आया है इसके ऊपर और ये बहुत टेस्टी बनके रेडी हो चुका है। और इसको 5 to 6 ज़्यादा मिनट नहीं क्योंकि गल चुका था, इसको रखना है। और मैं लेटर आके आपको दिखा रही हूँ। ये देखो देखा, बहुत परफेक्टली रेडी हो चुका है ये। अब बहुत इजीली बन भी जाता है। ओके, इसे आप ट्राई करना और बताना कि ये कैसा बना है कमेंट्स में।